गाइज आप भी एक क्लिक के अंदर कुछ इस टाइप का डीप ग्रीन टोन में फोटो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक प्रीसेट का मदद से कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। तो गाइज चलिए आज का एडिटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर लाइटरूम ऐप को ओपन करना है, और गाइज यहाँ पे देख सकते हो लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं कुछ फोटो को ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। आपको फोटो ऐड करना नहीं आता तो गाइज यहाँ पे आप क्लिक करके फोटो को ऐड कर लेना। तो गाइज ऑल फोटोज पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ फोटो को ऐड करने के बाद गाइज ये वाला प्रीसेट को भी ऐड किया हूँ। ये वाला प्रीसेट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज प्रीसेट को ओपन करने के बाद ऊपर एक 3 डॉट दिख जाएगा, 3 डॉट पे क्लिक करके आपको बस कर देना है कॉपी सेटिंग। गाइज कॉपी सेटिंग जैसे ही करोगे यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है और आपका एक नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ऊपर एक 3 डॉट दिख जाएगा आपका नॉर्मल फोटो के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बस कर देना है पेस्ट सेटिंग्स। देखो गाइज एक क्लिक पे ऐसा देखो फोटो को जूम करो, फेस देख सकते हो कितना गोरा हो गया है, आप देख सकते हो। एक क्लिक पे भाई कुछ इस तरह का एडिटिंग हो जाएगा। इस तरह का एडिटिंग इंस्टाग्राम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है, ठीक है। यहाँ पे कलर टोन देख सकते हो गाइस, एकदम यूनिक कलर है, मूडी नहीं, एकदम डीप ग्रीन टोन में फोटो एडिट हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट फोटो पे भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो पे भी गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइस, ये वाला फोटो पे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट फोटो पे भी देख लेता हूँ कि कैसे लगता है। तो गाइस यहाँ पे भी देख सकते हो सेम है, ठीक है। मतलब कलर देख सकते हो एकदम, मतलब क्या ही बोले, देख सकते हो गाइस पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट फोटो पे भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये वाला प्रीसेट काम करता है। देखो एकदम डीप ग्रीन टोन देखो, और R15 का कलर भी चेंज हो गया है यहाँ पे देख सकते हो, ब्लैक कलर था यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। तो अल्टीमेटली फोटो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट फोटो पे भी दिखा देता हूँ कि कैसे लगता है। यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो पे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये वाला फोटो को एडिट तो कर लिया, लेकिन सेव करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर आपको शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो सेव टू डिवाइस का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है।